नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। जी हां, सियावल विधानसभा का बहुत चर्चित सोन नदी जुगदहा पुल जो लगातार 3 महीने से विवादित में बना हुआ है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन का आंदोलन किया गया था, जिसको लेकर हमारे विजुअल में देख सकते हैं धरना प्रदर्शन पर लगातार कितनी की जनता यहाँ पर उपस्थित थी और लगातार कुछ ना कुछ कथन कहा गया, बयान दिया गया, बीजेपी को कोसा गया, बीजेपी को बताया गया कि विकास में रोड़ा बनती है। 3 महीने का समय दिया गया था, 3 महीने तक जब पुल का निर्माण नहीं हुआ तो आज 3 महीने बाद कांग्रेस के नेता जो है मैदान में उतरे और धरना प्रदर्शन करने लगे। आइए हम सुनाते हैं सबसे पहले कि SDM आरके सिन्हा के द्वारा क्या कहा गया। माननीय विधायक जी द्वारा जो है यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, इस पुल में यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी नौमत ही क्यों आई? नहीं, जहाँ तक पुल का ये बात है, बहुत महत्वपूर्ण पुल है ये और बहरी से सिहावल को जोड़ने वाला और मतलब सबसे जो कह सकते हैं कि नज़दीकी है। और ये अभी कल मैंने बुला करके PWD ब्रिज वाले उनके जो थे गौतम साहब और सिंह साहब दोनों को मैंने बुला के बात की थी, तो उन लोगों ने यही बताया कि अभी जो लोड टेस्टिंग जो है वो रिपोर्ट नहीं आई थी, तो इसके लिए हमने बात भी की, शायद भोपाल में थी। अब आप बात आपने कहा है तो मैं वो भी बताऊंगा किस लैब में है, लेकिन वो जल्दी मैं मंगवा करके और उसके बाद MPSRDC प्लस PWD जो ब्रिज वाले हैं इन दोनों का एक संयुक्त करके वेरिफिकेशन, क्योंकि देखिए पब्लिक हेल्थ और सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है ना। अति उत्साह में मान लीजिए कोई हम काम कर दें और कल होकर के कोई घटना दुर्घटना आ जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक भी आदमी का अगर जान चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए पुल को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको उसकी मदद सॉलिडरिटी उसकी मजबूती को देख के बारे में आपको रिपोर्ट ले करके फिर हम मतलब उसके आगे कार्रवाई करेंगे। जैसा कि सर ये सोन घड़ियाल है और सोन घड़ियाल में एक बमरी घाट में भी जो है पुल का निर्माण किया जा रहा है, सर काफ़ी समय से जो है वहाँ पर रेत की निकासी जो है वहाँ के ठेकेदार द्वारा की जा रही है, जिस पर कई बार मामला संज्ञान में भी ला गया कलेक्टर महोदय की भी, लेकिन सर स्थिति जस की तस बनी हुई है। नहीं, अगर वहाँ भी हो रेतकरण उत्खनन सोन से कहीं भी हो रहा है तो वो इलीगल है और उसमें अगर ऐसा ही होगा तो उस पर कार्रवाई होगी 100% होगी। सर क्या उम्मीद लगती है कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा? निर्माण कार्य पूरा का तो अभी हम नहीं बता सकते, अभी बताओ कौन ठेकेदार है और किस लेवल तक काम उसने कर लिया है, अभी कितना बाकी है ये अभी हम उसके बारे में अभी हमने समीक्षा नहीं की है, बट इसको जो ये जो पुल है जिसका जीर्णोद्धार किया गया है और उसके बारे में कल हमने बैठक भी ली थी, तो उसके बाद ये लग रहा है कि बहुत जल्दी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हो जाएगा, पारित किया जाएगा सर कि नगजर पुल से फिलहाल आना जाना चालू हो जाए। नगझर वाले में अगर वैसे आना जाना आप स्टार्ट कराएंगे तो फिर वो पुल का निर्माण का कार्य बाधित होगा, जब तक एक अल्टरनेट अगर उसका पुल का कोई पीपा पुल वगैरह जैसा बताए वैसा अगर उन कोई कर दे ताकि निर्माण कार्य बाधित ना हो तो उसके बाद चल सकते हैं। जमार के सिन्हा के द्वारा क्या कहा गया, अब मैं आपको सुनाता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या आ गया आपका अगला। देखिए, हमने आज बहुत ही गांधीवादी तरीके से और हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि गांधीवादी तरीके से ही जिला प्रशासन और सरकार को जगाने की कोशिश करें। हमने आज सांकेतिक रूप से हमारा धरना था, हमने परेशानियों को ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया है, SDM ने एक ज्ञापन लिया है, कलेक्टर से आपसे भी बात हुई थी, देखते हैं अगर जल्दी से जल्दी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती। मेरा तो ये है कि जिस लैब में भी आपने टेस्टिंग के लिए दिया है तत्काल लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट मंगाइए और हल्के वाहन अगर चलने लायक है जो भी मापदंड हो उसके अनुरूप आप डिसीजन लीजिए और नहीं तो वैकल्पिक मार्ग आप चालू करिए, पीपा पुल भी बनते हैं और साथ साथ जो नवनिर्मित पुल है, नवनिर्माण जिसका हो रहा है जिस पुल का, इसको तेजी गति से इसका पुल का निर्माण हो जिससे लोगों की परेशानियों से निजात मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने क्या मुख्यमंत्री के सामने भाषण देते समय उल्लेख किया, क्या उन्होंने लिख के दिया, क्या ये पूरी तरह से बनाई हुई स्टोरी है, ये पूरी तरह से
जिसको हम कहते हैं कि झूठा प्रचार कैसे किया जा सकता है, ये भाजपा के लोगों से सीखा जा सकता है। हमने जब चार दिन पहले कलेक्टर को हमने लेटर दिया और उसमें उल्लेख किया कि अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और हमने इसीलिए किया था कि बात आगे तक जाए, तो और पहले भी हमने इस बात का उल्लेख किया था, वैकल्पिक मार्ग के लिए हमने बोला था, वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सकता था, पर वैकल्पिक मार्ग के लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। लोगों की परेशानी से इस सरकार में कोई मतलब नहीं है, इस सरकार में तो एक ही मतलब है कि किस तरह आभा मंडल सरकार को बनाया जाए और किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए, किस तरह से अधिकारी कर्मचारी किस तरह से लगे रहते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हमें समझ में नहीं आता कि इतनी कौन सी मजबूरी है कि आप भाजपा के नेताओं के इशारे पे अपने सारे संवैधानिक पदों की मर्यादा को तार तार करते हुए आप जिस तरह से एक पार्टी का एजेंट बन के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए, देश और प्रदेश की जनता के लिए ठीक नहीं है। अधिकारियों की भी अपनी मर्यादा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की एक मर्यादा है, सरकार को भी कौन से काम कैसे लेना है ये एक मर्यादा है, सरकारी धन का कैसे दुरुपयोग करना है वो इस सरकार से ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता है। सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वह विकास यात्राएँ निकल रही हैं। भाई जनता खुश हो, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, किसान को समय पे खाद नहीं मिलती, और अगर सोसाइटी में अपना अन्न बेच भी दिया है तो समय पे उसका भुगतान नहीं मिलता, अपना भुगतान पाने के लिए भी कमीशन देना पड़ता है, तो काहे का विकास। आज हर तरफ परेशानी है, ना स्कूल में शिक्षक है, ना महाविद्यालय में शिक्षक है, ना स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग परेशान होते हैं। आज आप बस से जाइए, ऑटो में बैठिए, जहाँ किराया 5 साल पहले 6 साल पहले 10 रुपये लगता था, आज 20 रुपये लगने लगा, तो ये कौन सा विकास है? ट्रेन का किराया बढ़ गया, बस का किराया बढ़ गया, टेम्पू का बढ़ गया, मिट्टी का तेल कोटे में है नहीं, खाद्यान्न चावल सिर्फ मिल रहा है, गेहूँ बंद हो गया, मिट्टी का तेल नदारत है, शक्कर नदारत है, कहीं अगर बिजली नहीं है, कोई बच्चा गरीब का पढ़ना चाहे पढ़ नहीं सकता चिमनी के उसमें भी उजाले में, तो काहे का विकास? गैस सिलेंडर सबके घर में गरीबों के रखा हुआ है, 1100 रुपये का हो गया, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया, सरसों का तेल 200 के पार हो गया। स्थानीय विधायक होने के नाते आपके क्षेत्र में जो पास में ही एक बमरी घाट में जो पुल निर्माण हो रहा है, वहाँ पर जो है इस वर्तमान में जो रेत माफियाओं का जो हौसला ही इतना बुलंद है, वहाँ से प्रतिदिन जो है तो रेत की निकासी की जा रही है। जिनके पास लाइसेंस है, ठेका है, वो भी अवैध काम कर रहे हैं। इस सरकार में यही तो हो रहा है, जहाँ आप चाहे बारपान भरुई जहाँ भी चले जाइए, आपका पूड़ी जहाँ भी चले जाइए, जिनके पास भी रेत खदान का ठेका है, रॉयल्टी जमा कर रहे हैं, जो निर्धारित क्षेत्रफल है उससे बाहर जाके उत्खनन कर रहे हैं, और उनको जो भंडारण की क्षमता है, जितना भी उनको भंडारण के लिए निर्धारित है उससे कई गुना ज़्यादा भंडारण कर रहे हैं, ये सबसे पहली तो यही गलती है। और दूसरा, अवैध कारोबार तो चल ही रहा है इस सरकार में, दारू हर टोले मजरे में मिल जाएगी, सरकारी दुकान वाले ले जाके टोले मजरे में पहुँचा रहे गाँवों में, और आपका इसी तरह रेत खदान वाले भी रेत का सोनगढ़ियाल, जबकि ये प्रतिबंधित एरिया है, पूरी तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, और करने वाले सब भाजपा के लोग हैं, क्योंकि गलत काम इन्हीं के पार्टी के द्वारा संचालित हो रहा है। जितना आपका नशा का कारोबार है इसी सरकार में, आप देखिए वहाँ पोरबंदर पे पोर्ट पे करोड़ों रुपए की कितनी बार हीरोइन जब्त होती है पर कार्रवाई नहीं होती है। बाद आपकी पार्टी बैठी, आरोप है आपके? नहीं, देखिए अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई शासन प्रशासन इसमें आगे आ करके कुछ सुचारू रूप से कुछ व्यवस्था संचालित करेंगे, जिससे आवागमन जो बाधित है वो सुचारू रूप से चल सके। जब हम लोग देखे कि भाई 3 महीने बाद भी इनके कान में जू नहीं रहेंगे, तो आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी लोग एक सांकेतिक धरना के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए, और हम सबके नेता जो हमारे सुख दुख में सदैव खड़े रहते हैं, उनकी अगुवाई में माननीय कमलेश्वर पटेल जी, लोकप्रिय विधायक की अगुवाई में आज हम लोग एक सांकेतिक प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो तत्काल हम लोग अगली रणनीति बना करके कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव सीधी में करेंगे। अब ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि उनको ये विकास की कड़ी में है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यही भाजपा वाले, मेंटेनेंस जब इस पुलिया का हो रहा था, एमपीआरडीसी के अधिकारी आए हुए थे,
तो हाथ में नारियल लेकर के जितने भी इनके मंडल कमंडल के पदाधिकारी थे तो नारियल लेकर के फोड़े थे। मेरा तो कहना ये था कि अगर वही पदाधिकारी अगर हाथ में तगाड़ी फावड़ा लेकर के आते, श्रमदान करते, तो शायद हम ये कह सकते थे कि उन्होंने एक अंश भी अपना श्रमदान इस पुल के निर्माण में या जीर्णोद्धार में लगाया। लेकिन एक तरह से वो तो सिर्फ राजनीति और फोटो खिंचवाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने नारियल तोड़ा और बाकी जनता के हाथ में कुछ नहीं लगा। जनता आप देख रहे हैं सर पर बोरी झोला लेकर के आज भी परेशान। हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और जैसा कि यहाँ का मार्ग इस दुर्गापुर का जो है ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे मतलब बिल्कुल इसके बगैर तो बहुत दूर होगा। लेकिन फर्स्ट फेज में सर हम लोग अभी जो शुरू करेंगे, जब भी अभी 7 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी हो जो शुरू करेंगे तो मतलब केवल लाइट व्हीकल का ही करेंगे, बस को भी सर अभी अलाउ नहीं करेंगे। लाइट व्हीकल, फोर व्हीलर और प्लस टेम्पो, ये अभी हम फर्स्ट फेज में करेंगे सर। एक आध महीना जब चल जाए और फिर एक रिपोर्ट लेने के बाद फिर हम मतलब बस के। पर ये जो रिपोर्ट है ना आपकी, कौन सी विदेश में भेज दिया किसी लैब में? नहीं, भोपाल में। अरे भोपाल में एक घंटे में, एक दिन में लैब से टेस्टिंग हो जाती है। कल ही हमारी सब बात हुई है उनके जो इसके थे। कौन सी लैब में भेजा है मुझे बताओ, ये हम बात करते हैं। क्षेत्रीय विधायक और एसडीएम के पूरा बयान कथन आपने सुना। अब सबसे बड़ा दिलचस्प और देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की लड़ाई के बीच में ये सेतु बांधने वाला कनपुरा और कोलकाती को ये बीच में जोड़ने वाला पुल क्या चालू हो पाएगा। बड़ा सवाल पैदा यहाँ पर ये हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को कोसती है, बीजेपी कांग्रेस को कोसती है, लेकिन 3 महीने से जनता जो परेशान हो रही है ये किसी की नज़र पर नहीं आ रहा है। यही कहा जाता है कि टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग होने के बाद में निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुल की स्थिति यही बनी हुई है। इंजीनियर लगातार ये कह रहे हैं कि सर्वे होगा, सर्वे किया जाएगा, सर्वे होने के बाद में पुल चालू हो जाएगा, लेकिन ये सर्वे आखिर में कब तक पूरा होगा? 90 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है। 19 तारीख को ये पुल बंद हुआ था और 19 तारीख को ही आज कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन ये क्या पुल चालू हो पाएगा? जनता बार बार सवाल पूछ रही है। जिस प्रकार से पुल में आप मेरे देख रहे होंगे विजुअल में, छोटे छोटे बच्चे जो है पुल को पार कर रहे हैं, लंबा सफ़र करके आना पड़ता है, गर्मी का समय अब आ गया है, बूंद बूंद पानी के लिए भी लोग तरसेंगे, तो क्या उससे पहले ये पुल चालू हो पाएगा? बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।